सुजलॉन के चेयरमैन मिस्टर तुलसी तंती, जो कि एक टाइम पर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पोस्टर बॉय माने जाते थे, उनके बारे में एक आर्टिकल में कोट किया गया, देयर आर नो पोस्टर बॉयज, ओनली ड्रीम मर्चेंट्स एंड मोस्ट ड्रीम्स एंड अप इन नाइटमेयर्स। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था सुजलॉन के साथ कि एक ग्लोबली फिफ्थ लार्जेस्ट विंड एनर्जी कंपनी के चेयरमैन के बारे में ऐसी बातें होने लगी? ये समझने के लिए हमें सुजलॉन के बारे में बिल्कुल शुरुआत से समझना होगा, और हाँ, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 1995 में तुलसी तंती, जो कि एक गुजराती बिजनेसमैन थे, वो एक टेक्सटाइल कंपनी को रन कर रहे थे। उनकी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज थे और उनकी कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती थी, लेकिन इन बड़ी बड़ी मशीनों को यूज करने के लिए बड़ा बड़ा बिजली का बिल भी भरना पड़ता था, और उस टाइम पर बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुलसी तंती जी ने विंड एनर्जी की तरफ रुख किया और शुरुआत की सुजलॉन की, जिसका पर्पस था अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए सस्ती और रेगुलर एनर्जी का इंतजाम करना। अब तुलसी जी जानते थे कि ये सिर्फ उनके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सोचा कि यही चीज वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उन्होंने एक यूनिक बिजनेस मॉडल का यूज किया, जिसमें सुजलॉन के जो क्लाइंट्स होते थे उनको टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 25% देना होता था, और बाकी का जो 75% था वो सुजलॉन देता था। अब इस तरह से कुछ साल बिजनेस चलता रहा, लेकिन 2001 में तुलसी जी को लगा कि उन्हें अपने सुजलॉन के बिजनेस में ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस था उसको सेल कर दिया और अपना पूरा फोकस सुजलॉन में लगाया। तुलसी जी ने सोच लिया था कि वो सुजलॉन को वर्ल्ड की नंबर वन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनाएंगे, जिसके ऊपर वो काम करने लगे थे, और 2003 में उन्हें अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्डर मिल भी गया था, जो कि यूएसए की कंपनी डेनमार एंड एसोसिएट से आया था, जिसमें उन्हें 24 विंड टर्बाइन सप्लाई करने थे। तो ये ऑर्डर काफी बड़ा था, तो इससे उनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आया, और इसके बाद उन्होंने बीजिंग में भी अपना एक नया ऑफिस सेटअप कर लिया। ये वो वक्त था जब सुजलॉन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यही तेजी सुजलॉन के लिए आगे चल के एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी, क्योंकि इस एक्सपेंशन के चक्कर में सुजलॉन ने बिना सोचे समझे बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। जैसे 2006 में विंड टर्बाइन के गियरबॉक्स बनाने वाली एक बेल्जियन कंपनी को सुजलॉन ने एक्वायर किया, जिसका नाम था हैंसन ट्रांसमिशन। इसके एक साल बाद ही 2007 में सुजलॉन ने एक जर्मन कंपनी सैनवियन में भी मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। लेकिन सुजलॉन जो ये एक्सपेंशन कर रही थी उसके लिए उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था, तो इसके लिए सुजलॉन कंटिन्यूअसली बैंक से लोन ले रही थी, और इसके साथ ही अपनी इक्विटी भी सेल कर रही थी, और यही सबसे बड़ी वजह थी सुजलॉन के डाउनफॉल की। क्योंकि इसके बाद आया 2008, ये वही साल था जिस साल सभी स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से क्रैश हुए थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, जिसकी वजह से सुजलॉन को जो बड़े बड़े ऑर्डर फॉरेन क्लाइंट से आते थे वो अब कैंसिल होने लगे, और इसके साथ ही नए ऑर्डर आने भी लगभग बंद हो गए थे। लेकिन सुजलॉन तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, जिसके लिए उसने लोन भी लिया था, और ऑर्डर्स अब आ नहीं रहे थे, पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे। लेकिन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए सुजलॉन ने जिस चीज के लिए लोन लिया था वही चीज बेचनी पड़ी, यानी हैंसन ट्रांसमिशन में उन्होंने जो स्टेक बाय किया था उसका 35% हिस्सा उन्हें सेल करना पड़ा। इससे सुजलॉन का थोड़ा बहुत डेट कम हुआ, इसके साथ ही थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने लगे थे। लेकिन यहाँ पर एक और सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी के ऊपर अपना जो फोकस था उसको थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से सुजलॉन को जो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव्स मिल रहे थे वो बंद कर दिए गए, जिससे सुजलॉन की हालत दोबारा से खराब हो गई। हालांकि ये बेनिफिट्स 2014 में फिर से इंट्रोड्यूस तो हुए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि 2011 में सुजलॉन एक बार प्रॉफिटेबल तो हुई, लेकिन क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, उसके टैक्स बेनिफिट्स भी खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से वो उस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाई और लगातार लॉस में जाती चली गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2014 में सुजलॉन की जो बोरोइंग्स थी वो 17,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब आता है 2015, जिस साल सुजलॉन एक बहुत बड़ा कदम उठाती है अपने डेट को कम करने के लिए, और वो कदम होता है सैल्वियन कंपनी को बेचना। लेकिन ये डील सुजलॉन को 7,200 करोड़ के लॉस में करनी पड़ती है। इससे सुजलॉन का थोड़ा डेट कम होता है,
इसके साथ ही सन फार्मा के दिलीप सांघवी जी सुजलॉन में 23% का स्टेक खरीद लेते हैं लगभग 1800 करोड़ रुपए में, जिससे सुजलॉन फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में प्रॉफिटेबल तो बनती है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो डेट है वो 11000 करोड़ बचा हुआ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतनी सारी अपनी एसेट बेच दी लेकिन इसके बावजूद इनका लोन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, इसका रीजन ये था कि सुजलॉन लगातार नए प्रोजेक्ट्स भी ले रही थी और उन प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए सुजलॉन को बहुत ही कम बिड करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देने की जगह ज्यादा ऑर्डर्स को ग्रैब करने पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जो ऑर्डर सुजलॉन लेती थी वो उसको पूरे भी करने होते थे और उसको पूरा करने के लिए उसको और ज्यादा लोन लेना पड़ता था, जिस वजह से सुजलॉन फाइनेंशियल ईयर 18 में दोबारा से लॉस में चली गई। आप यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 18 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 977 करोड़ था, इनके पास 555 करोड़ की अदर इनकम भी आई थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इन्हें 1500 करोड़ का इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी इन्हें 384 करोड़ का लॉस हुआ। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और कौन से स्टॉक के ऊपर आप इस तरीके की केस स्टडी देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आया 2019, जिस साल में यूनियन बैंक ने सुजलॉन को जो लोन दे रखा था उसको उन्होंने NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया, जिससे सुजलॉन के लिए करो या मरो की कंडीशन बन गई थी। बट तुलसी जी ने किसी तरह से बैंक्स के साथ एक डील क्रैक की, जिसमें SBI के साथ जिन भी बैंक्स का कंसोर्टियम था उन्होंने सुजलॉन का लगभग 62% लोन माफ कर दिया, जिसकी वैल्यू लगभग 13000 करोड़ से ज्यादा थी। और फिर 2022 में सुजलॉन ने 8000 करोड़ रुपीस के लोन को IRDEA और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को बेच दिया, मतलब 2022 में सुजलॉन का डेट रीफाइनेंस हो गया। इसके साथ ही इसी साल सुजलॉन राइट इशू भी लेकर आई, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स इशू किए जाते हैं, ये भी फंड रेज करने का ही एक तरीका है। तो इससे भी सुजलॉन ने लगभग 1200 करोड़ रुपए रेज किए, और सरप्राइजिंगली सुजलॉन का जो ये राइट इशू था ये 1.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, इसका मतलब अभी भी इन्वेस्टर्स को सुजलॉन पर भरोसा था। इसी साल अक्टूबर 2022 में तुलसी तंती जी की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद उनके भाई विनोद तंती को सुजलॉन का चेयरमैन बनाया गया था। जब विनोद जी चेयरमैन बने तो उनका पूरा फोकस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना था, तो उन्होंने कंपनी के बहुत सारे एसेट्स को सेल करके कंपनी का जो डेट था उसको कम किया, जिस वजह से फाइनेंशियल ईयर 23 में सुजलॉन प्रॉफिटेबल हो गई। और इवन अभी फाइनेंशियल ईयर 24 के दो क्वार्टर्स निकल चुके हैं और इन दोनों क्वार्टर्स में ही सुजलॉन को प्रॉफिट हुआ है, और सितंबर के क्वार्टर में इनकी जो बोरोइंग है वो सिर्फ 146 करोड़ रुपए रह गई है। लेकिन लगातार लॉसेस और शेयर डाइल्यूशन की वजह से सुजलॉन का शेयर, जो कि एक टाइम पर 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, उसकी प्राइस अभी लगभग 40 रुपए के आसपास चल रही है। इवन एक टाइम पर तो ये 8 रुपए पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद सुजलॉन ने विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ बड़े ऑर्डर्स जीते हैं, जिसके बाद पिछले 6-7 महीने में ही सुजलॉन का शेयर 8 रुपए से चलकर 40 रुपए पर आया है, मतलब उसने कई गुना के रिटर्न्स दे दिए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स सुजलॉन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुजलॉन का जो प्रॉफिट बढ़ा है उसके पीछे का रीजन सिर्फ सुजलॉन को जो नए ऑर्डर्स मिले हैं वही नहीं है, यहां पर सुजलॉन के प्रति इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है, जिससे ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सुजलॉन के शेयर की प्राइस बढ़ी है। लेकिन यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुजलॉन का जो प्रॉफिट है वो लगभग उसी लेवल पर है जो कि एक आध साल पहले हुआ करता था, और इवन पहले के लेवल से तो काफी कम हो चुका है, तो फिर भी इन्वेस्टर्स को सुजलॉन पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों है और क्यों इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो पहले तो आप यहां पे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सुजलॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये केस स्टडी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई भी बाय या सेल एडवाइस नहीं है, तो कोई भी डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के खुद रिसर्च करने के बाद लो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो विंड एनर्जी या जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 28 तक हर साल 10 गीगावाट के एनर्जी टेंडर इशू करेंगे, जो कि सुजलॉन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑर्डर सुजलॉन को भी मिलेंगे।
दूसरा क्योंकि सुजलॉन ने इस साल QIP भी लॉन्च किया है जिसकी वैल्यू लगभग 2000 करोड़ रुपए थी और इससे इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस करके सिर्फ 146 करोड़ रुपए पर लेकर आ गए हैं, तो इससे भी इन्वेस्टर्स का सुजलॉन के ऊपर भरोसा बढ़ा है। अब आपको सुजलॉन में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन यहां पर मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी स्टॉक में, चाहे वो सुजलॉन ही क्यों ना हो, उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या देखना होगा। तो देखो, अगर आप सुजलॉन में इन्वेस्ट करते हो तो हर क्वार्टर में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी भी क्वार्टर में उसको लॉस हुआ तो वहां पर बहुत तेजी से प्राइस गिर भी सकती है। दूसरा, सुजलॉन के ऊपर हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है डेट, तो ध्यान रखना कि सुजलॉन का डेट वापस से बढ़ने ना लग जाए। इसके अलावा अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज आता है तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद सुजलॉन में जो आपको सबसे जरूरी चीज देखनी है वो है उसका वैल्यूएशन, क्योंकि देखो भले ही उसके शेयर की प्राइस अभी 40 रुपए चल रही है, लेकिन उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी सुजलॉन कोई छोटी स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो शेयर की प्राइस देखकर उसको सस्ता मत समझना, यहां पर आपको उसका पी रेशियो देखना होगा। फिलहाल उसका पी रेशियो 100 से भी ज्यादा चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा होता है, तो आपने सुजलॉन के वैल्यूएशन पे भी ध्यान देना है। इसके साथ ही ध्यान रखना कि उसके जो होल्डिंग्स हैं वो और ज्यादा डाइल्यूट ना हो, अगर होती है तो उसके पीछे का रीजन पता करना, क्योंकि सुजलॉन में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके साथ ही सुजलॉन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट ईयर के इलेक्शंस, क्योंकि सुजलॉन को अभी जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो करंट गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो फिर तो ये सुजलॉन के लिए अच्छा है, लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर सुजलॉन पे बहुत बड़ी आफत आ सकती है। वैसे सुजलॉन के पास सितंबर 2023 के डेटा के हिसाब से 1613 मेगावाट की ऑर्डर बुक है। इसके साथ ही इनका एम है फाइनेंशियल ईयर 25 तक 6-7 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड करना। तो अगर आप सुजलॉन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो एक बात का ध्यान रखना कि सुजलॉन में रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं, तो डिसीजन आपका खुद का है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप कौन से स्टॉक के ऊपर इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।